शिवराज सरकार लव जिहाद के मुद्दे को लेकर अब सख्त नजर आ रही है। यही कारण है कि जल्द इसको लेकर कानून बनाने की तैयारी भी सरकार की ओर से तेज कर दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लव जिहाद के खिलाफ आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाया जाएगा, जिसके बाद जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर ठोस कार्रवाई होगी। जिसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं, जी हमारा धर्म स्वातंत्र, मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजिबल तथा गैर जमानती, इसे घोषित करें। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस कानून के आ जाने के बाद प्रदेश में लव जिहाद के मामलों में कमी आती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज़।